what Sunil just spoke about companies bringing down their employment is a very good sign, in fact. The fact that today the youth of tomorrow is not looking to be a job seeker alone. He wants to be a job creator. रोजगार में क्या होता है, रोजगार कितने मिले उसकी चर्चा नहीं होती है। रोजगार के लिए स्वीपर्स के लिए या रेलवे के लिए 1 लाख का भर्ती हुई तो 1 लाख की भर्ती हुई एक झटके में इसकी चर्चा नहीं होती। 1.5 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन किए, यानी कितनी बेरोजगारी है, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए पर्सपेक्टिव, और इसलिए दोनों विषयों में सही जानकारी होना सबसे बहुत जरूरी है। लेकिन अपने यहां हम, पीयूष जी ने वर्णन किया, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, कि विभिन्न कारणों से रोजगार के आंकड़े ही सही मात्रा में उपलब्ध नहीं है या करेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। मानता हूं इस देश में बेरोजगारी की समस्या है, मगर 55 साल आपके शासन करने के बाद भी अगर यह समस्या है तो मैं कहना चाहता हूं इसका समाधान किसने नहीं ढूंढा। अभी मैं पढ़ रहा था, चिदंबरम साहब का ट्वीट पढ़ रहा था कि मुद्रा बैंक के तहत पकौड़े लगाने का किसी ने ठेला लगा दिया, इसको रोजगारी कहते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर मेहनत कर पकौड़ा लगा। कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एकाध व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीज़ें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है, इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे?